बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी दे रहे हैं। सबसे पहले ये कढ़ी के लिए तैयारी कर रहे हैं। दही डाला है और थोड़ी सी लस्सी भी साथ ही डाली है, तो थिक योगर्ट ये डाला। लस्सी बना के इसमें डालने लगे हैं। ये देखो, इसमें कसूरी मेथी, सब्ज़ मिर्चें कूट के डाली हैं और ये हल्दी थोड़ी सी, बल्कि थोड़ी हल्दी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उसका कलर अच्छा है। इधर इसका मसाला तैयार किया हुआ है, इसके अंदर लेमन डाल दिए थोड़ा सा, ये दही, इसमें थोड़ी सी लस्सी भी डाली है। तो अब इसमें दही में हमने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है, हल्दी इसमें भी डाली हुई थी तो इसलिए कलर आ जाएगा। यानी जो मसाला मैंने अभी दिखाया है, इसमें सब्ज़ मिर्चें, सबसे पहले इसमें सब्ज़ मिर्चें कूट के डाली हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी और हल्दी ये दही में डाली है। उधर मसाला तैयार कर रहे हैं, तो ये कढ़ी के लिए जो चाहिए इसकी। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि इसमें जो दही था उसमें दो तकरीबन लस्सी डालें, बेशक खाली दही में बना लें, तो उसके अंदर हल्दी डाली और उसको ग्राइंड कर लिया। इधर मसाला तैयार किया हुआ था, सब्ज़ मिर्चें थी, कसूरी मेथी और हल्दी, वो डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और तकरीबन एक कप बेसन का डाल दिया इसमें। ये पूरा बेसन भी मिक्स कर लिया। उधर मसाला तैयार हो, सुरख मिर्च, कुटी मिर्च, ये सूखा धनिया, ज़ीरा, ये कड़ी पत्ता, ये सारे मसाले डाल दिए। ये कढ़ी आज मैं नहीं बना रही है, मैं किसी की घर मेहमान आई हूँ तो उधर बना रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ घी बना रही इसका उबलने तक इंतज़ार करना है, तो उसके बाद चूल्हा आहिस्ता करेंगे। एक दफ़ा सही उबाला आ जाए तो उसके बाद, क्योंकि कढ़ी उबलने का बहुत डर होता है, जब तक ये सही उबल ना जाए इसका चूल्हा तेज़ी रखना है, फिर बाद में। गर्मी लग रही मैडम। ये बेसन को घोल के रख लिया है, इसमें छोटे छोटे आलू काट के डाले हैं, सब्ज़ मिर्चें, प्याज, तो कसूरी मेथी, और बाद में इसके पकौड़े बनाते हैं, तो फिर कढ़ी मेरे पास होगी तो उन पर आपको दिखाऊंगी प्याज की शक्ल। कढ़ी तैयार हो रही है, ये देखो तकरीबन एक घंटा कढ़ी पर लग जाता है। इधर साथ ही पकौड़े देखे मैंने छोटे साइज के रखे हैं। कढ़ी में हमेशा पकौड़े छोटे ही अच्छे लगते हैं। ये साथ साथ ही कड़ी में पकौड़े डाल दें। ये कड़ी की फाइनल लुक है, ये देखें। बाद लोग तड़का आखिर में लगा लेते हैं, लेकिन हम तड़का नहीं लगा रहे, तड़का हमने पहले लगा लिया, तो आप तड़का नहीं लगा रहे, बस इसी तरह ही खाएंगे, उबले चावलों के साथ पराठे से खाएं, रोटी से खाएं। ये देखें बहुत जल्दी बन गई है, कढ़ी में देर नहीं लगी है, घंटे में सारा कुछ तैयार कर रही है। गैस वाले चूल्हे में बनाई है तो वो जल्दी बन गई है। इधर कढ़ी भी तैयार हो गई है, तो ये साथ में कॉफ़ी अपने लिए बना रही हूँ, इंस्टेंट कॉफ़ी। चलें जी, साथ ही हमने सारा कढ़ी का, जरा थोड़ा लंबा टाइम लगता है तो एक घंटे के अंदर बस तैयार हो गया। लेमन का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है ना, ये जो लेमन इसमें डाला है, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था ना कढ़ी के अंदर जो लस्सी बनाई थी, जो कढ़ी के लिए
उसमें हमने लेमन डाला था, कसूरी मेथी, और ये देखे कसूरी मेथी कितनी अच्छी लग रही। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।